हाय गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग बैंक ऑफ इंडिया का पिन चेंज कैसे कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग पिन को भूल गए हैं तो उसको फॉरगेट भी आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसको आप लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं। आप लोग ATM के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन नेट बैंकिंग कैसे बनाए इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन उसमें आपको एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है जो कि आप लोग ऑनलाइन नहीं बना सकते, आपको बैंक विजिट करना ही पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप लोग ATM पर जाकर ही इसको कर सकते हैं। तो कैसे करना है चलिए हम लोग आज की वीडियो में जानते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ATM पर आ जाना और यहाँ पर आपको अपना ATM अंदर डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज आपके लिए परफेक्ट हो। इंग्लिश हो तो इंग्लिश, हिंदी हो तो हिंदी आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटर पिन का और यहाँ पर फॉरगॉट या फिर क्रिएट पिन और ग्रीन पिन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको जो है फॉरगॉट पिन करना या फिर आप लोग पिन चेंज करना चाहते हैं तो भी आपको दूसरा ऑप्शन ही सेलेक्ट करना। तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे फॉरगॉट और क्रिएट पिन या फिर ग्रीन पिन, इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक जनरेट OTP का और वैलिडेट OTP का। तो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP जाएगा। उसी OTP के थ्रू आप जो अपना पिन चेंज कर पाएंगे। तो आपको अपने साथ जो है आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर ले जाना और उस OTP आएगा तो उसको आपको डालना पड़ेगा। तो जनरेट OTP जैसे करेंगे उसके बाद आपको फिर से अपना ATM जो है बाहर निकाल लेना। उसके बाद फिर से आपको ATM को अंदर डालना। देख सकते हैं फिर से होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। फिर से ATM को अंदर डालेंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश या हिंदी जो भी था। उसके बाद आपके सामने फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे, इंटर पिन का और फॉरगॉट क्रिएट पिन और ग्रीन पिन का। तो आपको फिर से सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फॉरगॉट क्रिएट ग्रीन पिन। और उसके बाद इस बार आपको जनरेट OTP नहीं करना, इसके बाद आपको वैलिडेट OTP करना इस बार। तो आपको सिंपली वैलिडेट OTP पर क्लिक करना और आपके मोबाइल नंबर जो OTP आया उसको यहाँ पर आपको फिल करना वैलिडेट OTP में। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद आपको जो है पिन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू पिन डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको जो भी न्यू पिन क्रिएट करना वो 4 डिजिट का पिन आपको यहाँ पर डालेंगे। फिर से एक और बार डाल के री एंटर करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा कि योर पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली चेंज। अगर आपका सक्सेसफुली चेंज हो जाता तो उसके बाद सिंपली आपको चेक करने के लिए फिर से ATM को अंदर डालना। उसके बाद फिर से आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर आपको इस बार आपको इंटर पिन करना, आपको फॉरवर्ड पिन नहीं करना। इस बार इंटर पिन करेंगे और जो भी आपने 4 डिजिट का पिन क्रिएट किया उसके बाद यहाँ पर फिल कर देंगे। जैसे फिल करेंगे उसके बाद आपको जो जो ऑप्शन ATM में देखने को मिलते हैं यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली आपको बैलेंस इंक्वायरी करके एक चेक कर लेना कि आपका आप जो पिन जनरेट हुआ है नहीं। ऐसे तो अगर इंटर कर दे उसके बाद ओपन हो गया तो पिन जनरेट हो ही गया सक्सेसफुली, इस तरीके से आपको चेक हो ही गया। फिर भी आप लोग एक बैलेंस इंक्वायरी कर लेंगे और आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका जो पिन है सक्सेसफुली जनरेट हो चुका। तो इस तरीके से जो गाइस आपको पूरा प्रोसेस करना, आपको पिन चेंज करना या फिर अपना पिन भूल गए हैं तो आपको फिर से फॉरवर्ड करके कैसे वापस लाना है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा प्रोसेस करना। तो मुझे आशा आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगे होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करेगा, हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपको मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।